रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर को आम भक्तों के लिए खोल दिया गया है। भगवान राम के दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। बताया जा रहा है कि पहले ही दिन 5 लाख से ज्यादा लोग रामलला के दर्शन करने पहुंचे, लेकिन भक्तों के इस सैलाब के बीच एक बेहद ही अद्भुत घटना हुई है। इस घटना के बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। मंदिर में तैनात सुरक्षा कर्मियों की माने तो इस घटना को देखकर वो भी चौंक गए। ये घटना किसी चमत्कार से कम नहीं है। बताया जा रहा है कि स्वयं परम राम भक्त हनुमान अपने प्रभु राम लला के दर्शन करने मंदिर पहुंचे, आराम से दर्शन किए, उसके बाद चले गए। राम मंदिर ट्रस्ट ने इस पूरी घटना के बारे में जानकारी दी है। ट्रस्ट ने पूरी दुनिया को एक अद्भुत घटना के बारे में बताया है। ट्रस्ट ने बताया कि 23 जनवरी को शाम 5:30 बजे एक बंदर मंदिर में पहुंच गया। बंदर दक्षिणी द्वार से गुड़ मंडप से होते हुए गर्भगृह में प्रवेश करके उत्सव मूर्ति के पास तक पहुंच गया, यानी बंदर गर्भगृह में रामलला की मूर्ति के पास पहुंच गया। बाहर तैनात सुरक्षा कर्मी ये देखकर हैरान हो गए। सुरक्षा कर्मी बंदर की ओर ये सोचकर भागे कि कहीं वो रामलला की मूर्ति को गिरा ना दे। जैसे ही सुरक्षा कर्मी बंदर की तरफ दौड़े, वैसे ही बंदर शांत भाव से भागते हुए पहले उत्तरी द्वार की ओर गया, लेकिन उत्तरी द्वार बंद था। इसके बाद बंदर बड़े ही आराम से पूर्व दिशा की ओर बढ़ा और हजारों भक्तों के बीच से होता हुआ बाहर निकल गया। बंदर ने किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि जिस शांति से बंदर मंदिर से बाहर चला गया, उसे देख ऐसा लगा कि स्वयं हनुमान जी रामलला के दर्शन करने आए थे।